नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डायनेमिक चार्ट का चैप्टर। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जनवरी तक इस पे 5000 वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो नहीं है, हमारे लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग है। जूम ऐप के थ्रू हम क्लास ले रहे हैं, सुबह का 8 बजे का क्लास है। और विशाल शर्मा जी मेरे साथ ज्वाइन है। विशाल शर्मा जी, चले स्टार्ट करें। जी चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डायनेमिक चार्ट के कुछ पार्ट। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में, शायद आप नहीं थे, तो डेवलपमेंट में हमने बताया था कि हाउ कैन यूज द कॉम्बो वर्क्स बटन, ये बटन हम कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम उसी थोड़ी सी चार्ट्स के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डैशबोर्ड्स बनाने के लिए चार्ट्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को बेसिक चार्ट तो पता ही होगा कि बेसिक चार्ट क्या होता है, लेकिन हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स हैं, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा डेटा हम लेते हैं। एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम चार्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्राफिक्स आज से नहीं, बहुत पहले से यूज हो रहा है। कि आखिर इसका इस्तेमाल होता क्यों। जैसे आपके सामने मैंने 5 महीने की सेल्स रखी हुई है, तो आप इसको इजीली देख के कह सकते हो कि फरवरी महीना में सबसे हाईएस्ट सेल है और मई में सबसे लोएस्ट सेल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि छोटा सा नंबर है, इसलिए आपने इसको इजीली कंपेयर कर लिया। लेकिन इसी नंबर्स को अगर मैं करोड़ों में कर दूं, अब देख ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या विशाल जी, अब ये पता लगा मुश्किल हो गया ना कि कौन सा सबसे हाईएस्ट सेल है और कौन सा सबसे लोएस्ट सेल है। तो ग्राफिक्स मतलब कि चार्ट का इस्तेमाल हम यहीं पे करते हैं। तो यहीं पे हम सिंपल सा एक अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुलाइजेशन दे देंगे, और आप देखेंगे कि हम इजीली पता लगा सकते हैं इसमें। अभी इसमें इजीली पता लग रहा है कि आपका जो चार्ट है वो सबसे हाईएस्ट फरवरी में है और सबसे लोएस्ट अप्रैल में है, राइट सर? तो चार्ट का इस्तेमाल यहीं पे होता है। अब चार्ट के एक प्रॉपर्टी को समझिए। चार्ट का कई सारे पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा होता है चार्ट एरिया, जिससे पूरा चार्ट आपका होता है। इसे हम चार्ट की जमीन भी कह सकते हैं। दूसरा आता है प्लॉट एरिया, जिसमें आपके बिल्डिंग्स हैं। और दूसरा आपका सीरीज, जो आपका प्लॉट है, सीरीज होता, ये सीरीज है। और उसके बाद वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल है एक्सेस। और दूसरा आपका टाइटल होता है। उसके बाद किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करते हो तो बने बनाए आपके सामने चार्ट के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, आप इन ले सकते हैं। उस ये तो फॉर्मेट है, उसी तरह से आपके चार्ट के ए है, लेआउट्स है, कि चार्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। लेआउट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बाकी छोटी मोटी चीज तो आपको पता ही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको मैं बता सकता हूं चार्ट्स में। जैसे मैंने यहां पे दिया मंथ और यहां दिया सेल्स। सेम मैं वही डेटा को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस पर छोटा डेटा रखूंगा।
अब मैंने इस पे चार्ट बना लिया, पहले बात हमने इस पे चार्ट यहां से बना लिया। अब चार्ट बनाने के बाद मैंने यहां पे टारगेट को ऐड किया, टारगेट महीने का अलग अलग टारगेट था। अब मुझे टारगेट को भी अपने चार्ट में इंक्लूड करना है, तो मैं दोबारा, क्योंकि हम चार्ट लगा चुके हैं तो दोबारा से चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप चार्ट के ऊपर सिलेक्ट करें और यहां इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, आपका चार्ट इसमें आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट जो है वो लाइन चार्ट में हो, तो इस पर क्लिक करें या चेंज री चार्ट टाइप। चार्ट टाइप में आप आएंगे तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपका कॉम्बो चार्ट पे चला जाता है, और इस कॉम्बो चार्ट के ऊपर आप जाते हैं तो ये आपके तीन स्टाइल हैं। पहला इस तरह से चाहिए, या इस तरह का चाहिए, या इस तरह का चाहिए, या ये तो डिफॉल्ट है, ये आपने अपने हिसाब से खुद से बना सकते हैं कि यहां से अपना कौन सा चार्ट चाहिए। आप खुद डिजाइन कर सकते हैं कि मुझे डॉट लाइन चार्ट चाहिए। लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट नहीं डॉट लाइन चार्ट चाहिए। और मैं इसमें सेकेंडरी एक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए हम इस पर डिस्कस कर लेंगे अभी आगे। तो आप डबल चार्ट्स, मैंने यहां पे आप अपनी चार्ट्स में दो, एक ही चार्ट्स के ऊपर दो तरह के चार्ट्स यूज कर सकते हो। अब जैसे कि अभी सेकेंडरी एक्सेस की बात हो रही थी, चलिए सेकेंडरी एक्सेस की हम बात करते हैं। तो अभी मेरे पास सेल्स है और यहाँ पे टारगेट है। इस बार जो टारगेट है हमारा वो परसेंटेज में है, जैसे कि 50%। कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम मान लीजिए कि चार्ट लेते हैं तो उसमें एक आपका टारगेट दिखेगा ही नहीं। ना दिखने का कारण क्या है कि 50% आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में ये है, अगर मैं यहां से जनरल फॉर्मेट करूं तो आप देखेंगे कि 0.5 है, इसलिए बहुत नीचे चला गया, इतना कम हो गया कि इसके अकॉर्डिंग नथिंग है, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसलिए तो मैंने राइट क्लिक किया चेंज चार्ट टाइप और इसमें मैं लाइन चार्ट पे आया और ये हमारा टारगेट का लाइन चार्ट है, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस दिख रहा हुआ, तो मैंने बोला कि लाइन चार्ट के लिए आप सेकेंडरी एक्सेस करें। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एक्सेस आपको आ गया एंड ओके। तो सेकेंडरी एक्सेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब हमारे पास दो तरह की डेटा होती है और दो तरह के डेटा में हम चार्ट को शो करना चाहते हैं। अब चलिए हम आप बात करते हैं कि टाइटल को कैसे हम लिंक करेंगे, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का मंथ है और यहां पे हमारा है मंथली या सेल्स कर देते हैं सेल्स, और मैं मंथ यहां डालता हूं मंथ में चली जाए और नीचे ड्रैग करता हूं। मैं इस पे कंट्रीब्यूशन दिखाना है तो इसलिए हम इंसर्ट में आते हैं और यहां से हम पाई चार्ट को लेते हैं, पाई चार्ट ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि जो सेल्स है ये लिंक होना चाहिए, इसे मैं यहां पर लिखना चाहता हूं मंथली सेल्स रिपोर्ट इस तरह से। अब इस तरह से मुझे दिखाना है तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा राइट इस पे साइड पे जाऊंगा, राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा इस पे आएगा, सिलेक्ट डेटा पे आऊंगा और यहां दिख रहा होगा
सेल्स का, इसमें हम एडिट पे जाएंगे और ऊपर जो सीरीज नेम है इस सीरीज नेम के ऊपर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मंथली सेल्स रिकॉर्ड। ये देखिए हमारे पास। अब मैं यहां पे 2019 के बाद अगर मैं 2020 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो जाएगा। तो टाइटल को इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें थी, अब चलिए हम बात करते हैं कुछ और चीजें। अब बात हम करते हैं कंडीशनल चार्ट्स की। जैसे कि मैं यहां पे मंथ देता हूं मंथ, और यहां पे हमारे मंथ वाइज हम देते हैं सेल्स। और यहां पे मेरे पास सेल्स है। अब सेल्स जो है वो नंबर्स कैटेगरी में नहीं है हमारा, तो अब यहां पे मुझे क्या है इंडिकेट करना है कि हमारे साथ कई सारे कैटेगरी है। कि हमारा 0 to 20 वाला है उसका एक कैटेगरी है, 21 to 50 वाला का एक कैटेगरी है, 51 to 80 वाला का एक कैटेगरी है, और 81 to 100 वाले का अलग अलग कैटेगरी है। अगर मैं सिर्फ इसी को लेके चार्ट बनाता हूं, चार्ट में मुझे अपनी कैटेगरी को दिखाना है वो भी कलर में। जैसे कि ये आपका बिलो 20 का कैटेगरी है तो इसका कलर रेड होना चाहिए। इस तरह से हम अपना कलर दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए हम कलर कर भी दिए और कल के रेट में अगर ये मान लीजिए कि ये 51 हो गया तो ये कलर चेंज नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशनल कलर देना है कि कल के रेट में अगर सीरीज चेंज होता है तो ये अपने आप को कलर चेंज कर ले। तो उसके लिए हम चार्ट में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम डेटा उसके अकॉर्डिंग इस तरह से तैयार करेंगे। तो यहां पे कर देंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 20 है तो इसी नंबर को शो करो, अदरवाइज। उसके बाद यहां कंडीशन देते हैं कि इफ, अब यहां पे एल लगाएंगे कि अगर ए ग्रेटर देन 20 है और लेस देन इक्वल टू 50 है तो यहां पे शो करो, अदरवाइज ब्लैंक करो। उसके बाद यहां पे सेम, अब इस चीज ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला सब पे सेम लगेगा बट कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहां पे 50 हो जाएगा और यहां पे 80 हो जाएगा। यहां भी सेम, तो यहां पे हमारा 80 हो जाएगा और यहां पे हमारा 100 हो जाएगा। अब हम यहां पे एक ब्लैंक चार्ट लेंगे क्योंकि इसको सिलेक्ट करके चार्ट नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे इसमें इसको नहीं चाहिए और इसमें दिक्कत भी है। मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखता हूं क्या चार्ट बनेगा, क्योंकि 2007 में तो नहीं बनता था, नहीं बना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक इंसर्ट करेंगे एक ब्लैंक चार्ट, और इस ब्लैंक चार्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे सिलेक्ट डेटा और ऐड करेंगे। अब एक एक करके ऐड करते हैं, तो ये हमारा 0 to 20 का है हमारा फिगर, और हमने इसमें हम इसके एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फिर ऐड किया हमने इसको। ये है हमारा 21 to 50 और इसमें हमने 21 to 50 वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया, फिर ऐड किया 51 to 80। और इसमें हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, फिर वापस हम 81 to 100 करते हैं और इक्वल हम इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं।
और फिर ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहा है उसके जगह पे हम एडिट करते हैं और अपना एरिया ले लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि हमारा चार्ट बड़ा दिखे, और ये चार्ट दिख नहीं रहा है तो राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाता हूँ, और यहाँ जो आपका गैप है उसको बढ़ाता हूँ, घटाना होगा मैं घटा देता हूँ। इसे सब बड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका कंडीशनल कलर्स है। अब देखिए ये हमारा 11 यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जैन यहाँ पे जून में। अब कल के रेट में अगर ये डेटा हो गया मान लीजिए 70, तो कलर चेंज हो गया सर। अच्छा अभी मान लीजिए अक्टूबर हमारा जो है, अक्टूबर का जो ये है अलग है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है ना कौन किसका है, तो डेवलपर में आए, इसमें डेवलपर नहीं आया, चार्ट चार्ट डिजाइन में आए और लेआउट में आप जो है इसको ले लें, या इसको ले सकते हैं, नीचे आपका आ जाएगा कि कौन किसका है आपको समझ में आ जाएगा। या फिर इस पे राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं एड डेटा लेवल, और इस पे राइट क्लिक कीजिए और इस पे चले जाइए, इस पे फॉर्मेट डेटा सीरीज, नहीं, ये तो इसको इस पर राइट क्लिक, डेटा लेवल है फॉर्मेट डेटा लेवल, और इसमें आप वैल्यू हटा दीजिए, लेवल ऑप्शन, तो इसमें मैं कैटेगरी नेम जाता हूँ, कैटेगरी नेम नहीं सीरीज नेम, हाँ, और फिर मैं वैल्यू हटा देता हूँ। इससे आपको इजीली पता चल रहा है कि कौन किस किस कैटेगरी का है, तो ऐसे और भी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट विशाल जी? नो अब इसमें अगला, ये तो होगी ठीक है, ये आपके कंडीशनल कलर होगी। अब अगला बात आता है कि अगर मेरे पास दो तरह का डेटा हो तो कैसे, मैं दो शीट का डेटा हो और दो शीट पे हमारा डेटा टेबल लगाना, जैसे कि मैं यहाँ पे मंथ दे देता हूँ, तो यहाँ पे मंथ और यहाँ पे हमारा सेल्स, सेम इसके आगे हमारा यहाँ पे टारगेट है। अब मुझे तीसरे पे चार्ट लगाना है जिसमें से सेल्स इसमें से लेना है और टारगेट इसमें से लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका सीरीज सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस एक ही जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट नेम आपको मिलेगा, एक ब्लैंक चार्ट कोई भी जो चार्ट चाहिए उसमें से एक ब्लैंक चार्ट हम ले लेते हैं, राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा ऐड, और सीरीज नेम मैं देता हूँ यहाँ पे सेल्स, क्योंकि तो हम सेल्स पे ले रहे हैं, से सेल्स दे दिया, और सेल्स कहाँ ले रहे हैं तो हम सेल्स ले रहे हैं सीट 6, और ये रहा हमारा सेल्स। फिर ऐड करते हैं हम यहाँ पे इसका नेम देते हैं टारगेट, और हम कहाँ से टारगेट ले रहे हैं, तो टारगेट ले रहे हैं सीट 7 से, तो ये हमारा हो गया टारगेट। और ये जो आपको यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है,
हमने एडिट किया और हम किसी के भी, क्योंकि दोनों सीक्वेंस सेम है तो एक सीरीज दे दिया, तो ये हमारा सीरीज हो गया। तो आपके सामने हमने दो अलग अलग शीट से डेटा लेके, डेटा लिंक करके हमने चार बनाया, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स के अंदर फॉर्मूला कैसे एंटर किया जाएगा। तो कल का टॉपिक हमारा यही रहेगा।